बिहार में ब्रिज गिरना मानो एक सिलसिला सा बन गया है। पिछले 30 दिनों में 15 से ज्यादा ब्रिज गिर चुके हैं। फॉर्चुनेटली ना ही किसी की जान गई है और ना ही किसी को चोट लगी। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है इसकी जांच के लिए, और साथ ही साथ 16 से ज्यादा इंजीनियर्स को भी सस्पेंड किया गया है। पर क्या ये काफी है? डिजाइन फ्लॉज, पुअर कंस्ट्रक्शन, घटिया मटेरियल और अनसाइंटिफिक ड्रेजिंग को वजह बताया गया है, पर असली वजह सिस्टम और गवर्नेंस का फेलियर है। कॉन्ट्रैक्टर्स को, पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को भारी मात्रा में घूस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सस्पेंड होने वाले ऑफिशियल्स कुछ समय में वापस आ जाते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स गायब हो जाती हैं और कोई भी पॉलिटिशियन इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। 2024 में बिहार गवर्नमेंट ने 3,819 करोड़ सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करने के लिए एलोकेट किए थे, पर शायद ये पैसा या तो पानी में चला गया है या करप्ट ऑफिसर्स की जेब में। और आखिर में लोगों ने सफर किया है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी खराब हुई है। क्या आपको लगता है बिहार बेटर डिजर्व करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।